बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज कश्मीरी अपनी जो है वो योम हक खुद अदादियत मना रहे हैं और 1949 में आज ही के दिन अक़वामे मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर की गई थी आज, जिसमें कश्मीरियों के हक खुद अरादियत को तस्लीम किया गया था। लेकिन नाज़रीन, आज तक वो अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है। ये नाज़रीन स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का। और इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल ईयू अली रज़ा सैयद का अपने वीडियो बयान में कहना है कि कश्मीरी हक़ खुदारादियत के हसूल के लिए अपनी तहरीक जो है वो जारी रखेंगे। इसके अलावा भारत अक़वामे मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदाद से पीछे नहीं हट सकता, उसको जो है वो अपने वादे निभाने पड़ेंगे और अक़वामे मुत्तहिदा के को भी जो अपने वादों पर अमल दरामद करना होगा। नाज़रीन, इस हवाले से चूँकि मुल्क भर में कश्मीरी आज अपने जो है वो योम हक़ खुदारादियत मना रहे हैं, तो इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से। रिसेंटली नाज़रीन हमने ये भी देखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक खैर उनका भी एक फ़ैसला आया जिसको जो है वो पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरियों ने जो है वो मुस्तरद किया और पाकिस्तान ने भी इसको जो है वो बड़े बुरे अंदाज में मुस्तरद किया। क्या आगे के मामलात होते हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शेख अब्दुल मतीन साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हुरियत कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा सैयद जवार हुसैन एडवोकेट, हाई कोर्ट चेयरमैन जम्मू कश्मीर जाफरिया, सुप्रीम काउंसिल मुजफ्फराबाद, दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और आई स्टार्ट विद शेख अब्दुल मतीन साहब, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद आपको। मतीन साहब, फरमाइएगा कि आज 5 जनवरी चूँकि नया साल भी शुरू हो चुका है और इस हवाले से कश्मीरी आज अपनी जो है वो योम खुद अरादियत मना रहे हैं, ये दिन कितना अहमियत का हामिल है और क्या आप आगे के मनाजिर देखते हैं? देखिए जी, 5 जनवरी 1949 में एक करारदाद पास हुई है जो कि एक तारीखी करारदाद है, जिसमें कश्मीरियों को ये हक दिया गया कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करेंगे और हतमी फैसला जो कश्मीर का होगा वो कश्मीरी आवाम की राय के मुताबिक होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1949 में जो जंग बंदी की गई, और ये भी देख लीजिए ये जो अक्वामे मुत्तहिदा में जो गया है वो खुद भारत ये मसला लेके गया है, और न सिर्फ भारत ने वहाँ पे कश्मीरियों के साथ वादा किया है बल्कि अपनी दिल्ली की पार्लियामेंट और लाल चौक श्रीनगर गवाह है जहाँ पे नेहरू जी ने इस वादे को दोहराया है। इसके बाद हम जब देखते हैं अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 18 करारदादे मसले कश्मीर के हवाले से पास हुई है, तो ये इसलिए एक तारीखी दिन है क्योंकि कश्मीरियों को अपनी राय का हक दिया गया है। इसलिए हम देखते हैं जहाँ पे कश्मीरी मौजूद है वो आज के दिन को योम हक खुद रादत के दिन पे मनाते हैं, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ कश्मीरी मौजूद है। तो इसलिए हमारा मुतालबा क्या है, सिंपल कश्मीरी कहते हैं कि हमसे जो वादा किया गया उस वादे को निभाया जाए। ठीक है, सैयद जवार साहब ने भी नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है। जवार साहब, बहुत खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। फरमाइएगा कि आज 5 जनवरी जो है वो कितना अहमियत का हामिल है स्पेशली कश्मीरियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं ममनून गुजार हूँ महविश बेग साहब आपका कि आपने आज इस दिन के मौके पर अपने टीवी का एक प्रोग्राम रखा। जैसे कि आप बाखूबी कहा है कि आज 5 जनवरी है और आज का दिन पूरे आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में यौम आपके खुद अरादियत के वाले से मनाया जाता है, क्योंकि 5 जनवरी 1949 को भारत खुद मसला कश्मीर को लेके अक़वामे मुत्तहिदा में गया था और 5 जनवरी के बाद आज तक अब अक़वामे मुत्तहिदा को ये ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं कि मसला कश्मीर का फौरी तौर पे हल किया जाए। मसला कश्मीर का वाहिद हल है इत्तेसाब राया, यानी अमर से इस मसले को हल किया जाए। इस कश्मीर के मसले के लिए
हमारे कश्मीरी भाइयों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे चुके हैं। लाखों के हिसाब से माजरीन होके पाकिस्तान आए, भारत ने इंतहाई जुल्म किए उन पे, बेशुमार लोग मारे गए और बेशुमार लोग जख्मी हुए, हमारी ख्वातीन की बेहरती हुई और आज तक भारत ये बंदी कर रहा है। और हम भी एहतजाज करके हम भारत को ये मुतालबा कर रहे हैं अक़वामे मुत्तहिदा से कि भारत को पाबंद किया जाए कि वो मसला कश्मीर का हल के लिए आपके खुद अरादियत के तहत इसका वो हल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये बड़ी ताकतें जो है ये इस मसले पर ज़ाती तवज्जो नहीं दी जाएगी, तुम्हारे मुसलमान जो है मगरुल्ला कश्मीर के गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। ठीक है मतीन साहब, आपसे मैंने एक और सवाल ये है कि आपने फरमाया कि अक़वामे मुत्तहिदा की 18 करारदादें ऑलरेडी पास हो चुकी हैं कि हक़ खुद अरादियत जो है ना वो मिले कश्मीरियों को, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि भारत अपने ही मनमानी कर रहे हैं, हालांकि कश्मीर का जो फैसला होना है वो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक होना है। अब यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि क्या मसला है और सबसे बड़ा रुकावट इस वक्त क्या है कि कश्मीरियों को उनके जो हकूक़ हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, अगर इस मसले को हल करने के लिए रुकावट है और बड़ी रुकावट खुद भारत है, क्योंकि भारत का इस हवाले से स्टबॉर्न स्टैंड है। भारत चाहता है कश्मीरियों की ये जो आवाज़ है मैं इसको ताकत के बलबूते पे ख़त्म करूं। और हम देखते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त फ़ौज मौजूद है, 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज मौजूद है, उनके पास ब्लैक लॉज है और ये जो फौजी है जो ये हमारे कश्मीर पे काबिज है वो जुल्म का और जबर का हरबा भी इस्तेमाल करते हैं और कत्लगारत भी करते हैं, घेराव भी करते हैं, जलाव भी करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके अलावा जब हम 5 अगस्त 2019 की जब हम बात करेंगे तो भारत ने जो खसूसी हैसियत दी थी कश्मीर के हवाले से उसको भी ख़त्म किया गया। गरचे हमारी आवाज़ जो कश्मीरों की आवाज़ जो है वो है हकी खुद इरादियत की, वो है इस्तिस्वाब राय की, लेकिन आपको यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के जो ये जो हीनियस डिज़ाइनर्स है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि कश्मीरों की जो जुदोजहद है इसमें लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और कश्मीरी इस वक्त भी ये जो जुदोजहद कर रहे हैं। कश्मीरियों का ये पूरा हक है कि वो अपनी जुदोजहद को जारी व सारी रखे, इसलिए क्योंकि कश्मीरियों की जो ये जुदोजहद है वो हक पे मबनी है, अक़वामे मुत्तहिदा में करारदादे पास हुई है। कश्मीर का कोई मसला हिंदुस्तान और कश्मीरियों के दरमियान नहीं है, न कश्मीर का मसला ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, बल्कि कश्मीर का मसला जो है एक बैनुल अक़वामी मसला है। कश्मीरी जो हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि मसले का एक एमिकेबल हल निकलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आबूमंदाना हल निकलना चाहते हैं, हम कश्मीरी भी चाहते हैं जो भी हल निकले वो टेम्पररी ना हो बल्कि वो परमानेंट हल हो। तो हम भी देखते हैं इसके लिए जब हम समझते हैं तो ये सिर्फ भारत की हददर्मी है जो वो आगे नहीं आता है, ये भारत की हददर्मी है जो इस मसले को हल करने नहीं देता। तो इसलिए हमारी जो ये जुदोजहद है कश्मीरियों की जो ये जुदोजहद है हमने ये मुसम्मम इरादा किया हुआ है कि गरचे हम एक बहुत बड़ी आजमाइश से इस वक्त गुजर रहे हैं, हर लिहाज से जुल्म और जबर मकबूजा कश्मीर में है और अगर मैं आपको ये कहूँगा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है गलत नहीं होगा, अगर मैं कहूँगा वहाँ ह्यूमन क्राइसिस है गलत नहीं होगा, अगर मैं कहूँगा कश्मीर जो है ओपन प्रिजन है गलत नहीं होगा, अगर मैं कहूँगा जो पैराडाइज हमारा था वो लिविंग हेल है गलत नहीं होगा। ये सब चीज़ें अपने जगह है लेकिन कश्मीरों के जज्बे में, हिम्मत में, हौसले में कोई फर्क नहीं आया। तो कश्मीरों ने ये मुसम्मम इरादा करके रखा है, जब तक उनका अपना हक हकी खुद इरादत नहीं मिलता वो अपनी जुदोजहद को जारी व सारी रखेंगे। जी जवाहर साहब, अब मेरा सवाल आप
से है कि आप कानून दान भी हैं और चूंकि मामलात को टेक्निकली भी समझते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या मजबूरियां हैं या क्या रुकावटें हैं, किस लेवल पर हैं कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक भी नहीं मिल पा रहे और आवाम भी जदोजहद कर रहे हैं, हर तरफ जो है वो आवाज़ बुलंद हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कश्मीरियों का जो मुतालबा है कि उनको उनके जो हकूक़ हैं वो दिए जाएँ और तमाम तरह से उनको आज़ादी हासिल हो, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिल पा रही, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है इस वक्त? मोहतरमा मावे साहब, आपने जो ये सवाल पूछा है कि इसमें रुकावट क्या है, तो मेरे नज़दीक इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो भारत है। भारत इस मसले को हल नहीं होने देता। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मसला जंग से हल नहीं होता। पाकिस्तान भी एटमी कवत है और भारत भी एटमी कवत है। अगर जंग ये करेंगे तो दोनों ममालिक ये नेस्त नबूद हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेहतरीन हाल इसका मसला कश्मीर का वो हक़ खुद अरादियत है और इसकी तरफ अक़वामे मुत्तहिदा को भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इस मसले का फौरी हल करना चाहिए, वरना अगर जंग छिड़ जाएगी मसले का हल भी नहीं होगा और आलम इस्लाम का पूरी दुनिया का जो अमन है वो नष्ट नबूद हो जाएगा और अमन बहाल नहीं रहेगा। इसलिए हमारी बार बार ये गुजारिश है अक़वामे मुत्तहिदा से, अगर आलम इस्लाम को आलम को जंग से बचाना है तो फिर अक़वामे मुत्तहिदा अपना ये हक इस्तेमाल करे और इस मसले का हल करे। अच्छा मतीन साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल, चूँकि प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है, अभी आप मुझे बताइएगा कि वाट शुड बी डन नेक्स्ट। अब तमाम तर जो मसले मसाइल थे, जो रुकावटें थी, हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया और डेफिनेटली आप खुद इस वक्त आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आवाम का भी यही मुतालबा होगा। अब मुझे बताएं कि आगे क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत हैं गवर्नमेंट लेवल पर भी, और ताकि ये मसाइल जो हैं वो हल हो सके, कश्मीरियों को उनका जो हक है वो मिल सके, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से जो आपने कहा हल क्या है और जिम्मेदारियाँ क्या है, सिंपल इसका हल ये है कि कश्मीरियों को इस्तेसवाबी राय दी जाए, लेकिन जो नहीं दिया जाता है उसकी बुनियादी बात जो है, जो मैंने आपको भी बताया है कि वो भारत की हठधर्मी है जो सिर्फ ताकत की जुबान समझता है और वो कहता है कि ताकत के बलबूते पे मैं कश्मीरियों के इस हक को सलब कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम माजी की तरफ देखेंगे, हिस्ट्री की तरफ देखेंगे, तो इससे ज़्यादा जो कॉलोनियल फोर्सेस और जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थे, लेकिन आखिरकार उनको झुकना पड़ा और आखिरकार उनको मानना पड़ा हकाई क्या है, तो उन लोग यानी रियासतों को आज़ादी मिली है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। जहां तक अक़वामे आलम और ख़ासकर अक़वामे मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है, बिल्कुल उन पर जिम्मेदारी बनती है। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 18 करार दादे तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो दो रिपोर्ट्स आई है 2018 जून में, फिर 2019 जुलाई में, जिसमें कहा गया है कि हाईएस्ट लेवल पे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है। और ये रिपोर्ट्स किसकी है? ये अक़वामे मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट्स है। तो होना क्या चाहिए था? अक़वामे आलम को और खासकर अक़वामे मुत्तहिदा को आगे आना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल्स है, ये जो चैप्टर है, उसमें वाज़ह तौर पे कहा गया है कि जहां पे किसी जगह हुकूक को सलब किया जाएगा तो हमारी उस हवाले से जिम्मेदारी क्या है। तो हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान को नहीं रोका जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट्स और जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट्स को देखा जा रहा है, ये एक अनफॉर्चुनेट है। तो हमारे पास लीग ऑफ नेशन भी सामने है, जब उन्होंने मसावात और इंसाफ का साथ नहीं दिया तो उसका हाल भी हमारे सामने है। कश्मीर का मसला जो है ये एक फ्लश पॉइंट है, हमें इसको समझना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों न्यूक्लियर पावर है। हम समझते हैं कि मसले कश्मीर को हल करना नागुजीर है। अगर मसले कश्मीर को हमने हल नहीं किया, इसी तरह छोड़ा, इसी तरह हिंदुस्तान को छूट दी गई है, छूट दी जाएगी, तो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे जो है आलम जो है इसकी जद में आ सकता है। जहां तक
पाकिस्तान का आपने सवाल किया है, जिम्मेदारियों का ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस मसले का एक फरीक भी है। पाकिस्तान की ये बात है, वो कहता है कि कश्मीरी जो है हतमी फैसला वही करेंगे। पाकिस्तान को इस हवाले से वो कश्मीरों का पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और ये साथ दे रहे हैं, लेकिन जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है, ये कोई अलग कोई मुल्क नहीं है जिसकी ये मदद कर रहे हैं, बल्कि इट इज अ जुगलर वेन फॉर पाकिस्तान। हम समझते हैं कश्मीर और पाकिस्तान जो है लाजमी मंजूम है। हम समझते हैं कि आप ये देख लीजिए कि एक पाकिस्तान है, उसका कोई हिस्सा है जिसपे काबिज फौज है, तो जब ऐसी सूरत हाल है तो हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जहां तक अवाम का ताल्लुक है, उनकी दिल की धड़कने हमारे साथ धड़कती है, वो हमेशा कश्मीरियों का साथ देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा है कि हुकूमत लेवल पे हमने देखा है कि कश्मीर के हवाले से वक्तन फवक्तन पॉलिसी चेंज हुई है, और हमारे सामने सब कुछ है, क्योंकि बात लंबी ना हो जाए। तो हम समझते हैं कि जो खासकर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स चलाएं, जो भी आपको यहाँ पे है उसमें कोई कदर नहीं है, लेकिन जहां मसले कश्मीर का ताल्लुक है, उस हवाले से जब आप एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं, एक कहता है उसने सौदा किया, दूसरा कहता है इसने सौदा किया, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे मसले कश्मीर में पड़ता है, और जो हमारी आवाम है मकबूजा कश्मीर की खासकर, उस पर पड़ता है। तो हमें इन चीजों से यानी गुरेज करना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो हर लिहाज से प्रोएक्टिव होनी चाहिए, हमें हर महाज को साथ साथ चलाना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक महाज है, चाहे वो पॉलिटिकल महाज है, चाहे वो मीडिया का महाज है, चाहे वो लॉबिंग का महाज है, यानी कश्मीर को हमें टोटलिटी में देखना चाहिए, और हमें हर महाज पे एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत के जो डिजाइन्स है, भारत की जो जब हम देखते हैं उनके जो ये ऊंचे हथकंडे वो वक्तन फवक्तन जो उठाते हैं, तो हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। और खासकर जो आज वहां पे यानी हुकूमत है बीजेपी, उसका एजेंडा हमारे सामने है, और वो बवागी दोहल ऐलान करते हैं कि हमने 370 को भी खत्म किया, 35A को भी खत्म किया, बाबरी मस्जिद को भी मुनहदम किया, और हम आजाद कश्मीर की तरफ अब आएंगे। हमारी यहाँ पे पाकिस्तान की मजबूत फौज है माशाल्लाह, पहले भी उन्होंने अभी नंदन को भेजा था, उसका हाल हम सबके सामने है, लेकिन ये अपनी जगह, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हीनियस डिजाइन्स भारत के है वो क्या है, इसलिए जो उनकी तौसी पसंदाना जो अजायम है भारत के, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। और खासकर ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस भारत ने शुरू की है, और ये रियासती बाशिंदों को वहां पे आबाद किया है, तो इसलिए हम समझते हैं कश्मीर में जो हम बात करते हैं, तो पहले ही हमारी जान और माल महफूज नहीं था, लेकिन अब हमारी फेथ भी जो है वो वहां पे महफूज नहीं है। मजबूत पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की जमानत की यानी आजादी की जमानत है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेकामी तौर पे यानी इक्तिसादी तौर पे मजबूत हो, क्योंकि जितना पाकिस्तान मजबूत होगा उतनी तहरीक आजादी कश्मीर मजबूत होगी। जवाहर साहब, आपसे भी आखिरी सवाल के क्या होना चाहिए, क्या यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक, चूंकि फैसले होते हुए नजर तो आ नहीं रहे, ना वो अपने वादे को निभा रहे हैं, तो क्या जो है वो अक़वामे मुत्तहिदा में ये मसला दोबारा इसको उठाया जाए, या वहां पर ही कुछ जो है वो इकदाम होने जरूरी हैं, या फिर पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो कुछ अहम इकदाम उठाने की जरूरत है, या आवाम को मुत्तहिद होने की, क्या समझते हैं कि मसले का हल कैसे मुमकिन है? मैम साहिबा, आपके इस सवाल का, आपके हमें इस मसले का हल क्या करना, किस तरह होना चाहिए, मेरे नजदीक यही हाल है कि मुज़ाकरात और अक़वामे मुत्तहिदा की क़रारदादें। अक़वामे मुत्तहिदा बेशुमार दफ़ा, मेरा 100 से ज़्यादा दफ़ा ये मसला उनकी मीटिंग में आ चुका है, मगर अफसोस ये है कि कभी पहले रूस वीटो करता रहा, अमेरिका करता है, और भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो ऐसी कर रखी है कि हमारे जो है बड़ी ताकतें ये हमारे साथ उस तरह का तालमेल नहीं करती जिस तरह का इनको करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बेशक हमारा पाकिस्तानी हुक्मरान मसला कश्मीर के हल के लिए हमेशा कोशिश करते रहे,
जदोजहद उनकी जारी है, वजारत खारजा कोशिश कर रही है तो हुकूमत पाकिस्तान से और मैं आलमी ताकतों से अक़वामे मुत्तहिदा से ये मुतालबा करूँगा हमारे नज़दीक वाहिद हल इसका जो है वो जो करारदाद है अक़वामे मुत्तहिदा की उन करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल करना चाहिए। हाँ बहुत शुक्रिया आपका शेख अब्दुल मतीन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया आज हमें वक्त दिया, और एडवोकेट सैयद जवार हुसैन साहब आपका भी कि आपने आज हमें वक्त दिया, और स्पेशली 5 जनवरी जो है वो कश्मीरियों के लिए कितना अहमियत का हामिल है, और इस दिन भी नाज़रीन चूँकि मुख्तलिफ जगहों में मुल्क भर में जो है वो रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसिस भी हो रहे हैं, तो सेमिनार्स भी जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन कश्मीरियों का जो मुतालबा है कि भाई हमें हमारा जो हक़ खुद अरादियत है इस्तेमाल करने का जो है वो मौका दिया जाए, बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएँ, और एक तरह से आज़ादी होनी चाहिए हर तरह के मामलों में बोलने के लिए, चलने फिरने के लिए, और अपना डिसीजन या अपना जो एक मौक़िफ़ होता है वो भी सामने रखने के लिए। मौजूद मेहमानों ने इसके ऊपर बात किया कि क्या रुकावटें हैं और कैसे जो है ये मसाइल ख़त्म होंगे, इसके लिए क्या इकदाम करने ज़रूरी हैं, और कैसे गवर्नमेंट लेवल पर और इंटरनेशनल जो है वो इस मसले को हर वक्त उजागर करना कितना जो है वो अहमियत का हामिल होगा, इस हवाले से बात की। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।